सावन माह के इस पहले सोमवार में व्रत रखने वाले योगी योगियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, श्रावण मास के इस पवित्र महीने के प्रथम सोमवार को जो भी भक्त श्रद्धालु इस व्रत को धारण करते हैं उनके जीवन में आनंद खुशियां प्राप्त होकर उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होता है और उनके सारे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। वैसे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हो जिनको पढ़ने के बाद भी मन स्थिति में विद्या अर्पित नहीं होता है या यादाश्त मजबूत नहीं हो पाता है या पढ़ने से मन भागता है, इस श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को सफेद फूल के द्वारा जो शिवलिंग पे दुग्ध धारा या जल से धारा करते हैं निश्चित रूप से उनको विद्या अर्जित होता है, वह पढ़ने में मन लगता है, जो पढ़ेंगे वह दिमाग निश्चित होगा, यादाश्त मजबूत रहेगा, जीवन खुशियों से पूरित रहेगा। और जो स्त्री इस सोमवार का व्रत धारण करती है, अगर वह कन्या है, कन्या अगर व्रत को धारण करती है तो सुंदर वर की प्राप्ति होती है और सुंदर फूल की प्राप्ति होती है। और जो सौभाग्यवती स्त्री आज के इस प्रथम सोमवार का व्रत धारण की है उनके सौभाग्य अमर रहेगा, उनके पति का आयु वृद्धि होगी, बाद अमर होगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।